देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ए ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना। कोई क्या है, कोई ट्रस्ट फंड है ठीक है ना, कोई ट्रस्ट है वो क्या करता है, ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कोई ट्रस्टेबल कंपनी होती है ना, जैसे ट्रस्टेबल कंपनी होती है कुछ वो करती है, तो वो क्या करती है अपने शेयर मार्केट, जैसे शेयर मार्केट होता है उनमें इन्वेस्ट करती है, या कुछ और चीज़ होती है उनमें इन्वेस्ट करती है। तो ये बोल रहा है कि टोटल किसी ट्रस्ट फंड के पास कितना है टोटल, देखो उसे इन्वेस्ट करना है किसी टू टाइप्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, कोई बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड्स में उन्हें रुपये लगाना है, तो जो उनके पास टोटल मनी है वो है 30,000, 30,000 रुपये हैं, वो अलग अलग उन्हें इन्वेस्ट करनी है। इन्वेस्ट कैसे कैसे करनी है उन्हें, दी फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो फर्स्ट बॉन्ड में वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा उन्हें, कितना इंटरेस्ट होगा उसमें, 5% इंटरेस्ट पर ईयर होगा। वैसे जो सेकंड बॉन्ड होगा उसमें कितना इंटरेस्ट होगा, 7% इंटरेस्ट पर ईयर का इंटरेस्ट बता रहे हैं, 5% 7%। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड द 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800। टोटल इंटरेस्ट दे रखा हमें 1800 फर्स्ट वाले में, पहले फर्स्ट वाला करते हैं 1800, तो फर्स्ट वाले में हमें रुपीज़ दे रखा है हमें 1800, ये टोटल इंटरेस्ट दे रखा है हमें कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है 30,000 को, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये टू डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड है ना जिनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, ये लेट कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं लेट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट करते हैं, ₹X, ये इन्वेस्ट हमने लेट कर दिया। फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करते हैं ₹X इन्वेस्ट करते हैं ये, ठीक है ना, फंड वाले। और हम क्या कर लेते हैं, अगर ये फर्स्ट में क्या करते हैं ₹X का इन्वेस्ट करते हैं, तो सेकंड में कितने का इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट इन सेकंड बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि टोटल कितनी मनी है 30,000 है, अगर फर्स्ट में एक्स कर रहे हैं तो सेकंड में अपने आप कितनी हो जाएगी, 30,000 माइनस एक्स। अगर एक में एक्स कर रहा है तो सेकंड में कितना इन्वेस्ट करेगा, 30,000 माइनस एक्स। तो एक मैट्रिक्स तो हमें यहाँ से आ गए, दूसरा क्या दे रखा है हमें, देखो द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है ना। देखो फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट बोल रहा हूँ पर ईयर का, तो 5% मतलब 5/100 ये होगा। वैसे सेकंड बॉन्ड का कितना है, सेकंड बॉन्ड पेज इंटरेस्ट पर ईयर है, ठीक है, तो इसका कितना है 7% बोल रहा है, तो मतलब कितना होगा 7/100 ये दे रहा है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट बॉन्ड हमने ले लिया कि इसमें टोटल कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ₹X इन्वेस्ट कर रहा है फर्स्ट बॉन्ड में, और उसका इंटरेस्ट कितना है पर ईयर का 500। वैसे सेकंड बॉन्ड कितना इन्वेस्ट कर रहा है, सेकंड बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट इन्वेस्ट हो रहा है, 30,000 माइनस एक्स ये इन्वेस्ट हो रहा है, और इसका कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे, 7% मिलेगा, तो 7/100। अभी सब मैट्रिक्स से सॉल्व करना है हमें, मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, तो मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक मैट्रिक्स में तो आ जाएगा, देखो जैसे हम निकालते हैं ना, इंटरेस्ट हमें गिवन है और हमें क्या है मनी गिवन है, उसका इंटरेस्ट गिवन है, जैसे हम बोलते हैं हमें ₹500 गिवन है, उसका 5% कितना होगा, तो हम क्या करते हैं 5/100 सीधे से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 5/100, और 5/100 करके करेंगे तो इसका ये पता चल जाएगा टोटल कितना इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो जैसे हम क्या निकालते हैं इंटरेस्ट वगैरह निकालते हैं, तो ऐसे क्यों करते हैं P(R)(T/100, पर मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इनका इनसे मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक मैट्रिक्स तो आ जाएगी बॉन्ड की, कितने कितने इन्वेस्ट किए उन्होंने, तो एक मैट्रिक्स तो इसकी बना दो, एक इन्वेस्ट किया उन्होंने फर्स्ट बॉन्ड पे एक्स, और दूसरा इन्वेस्ट किया है 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्ट किया। सेकेंड इन्वेस्ट जो उन्होंने किया है वो क्या है, ये तो इन्वेस्ट कर रहा है उन्होंने, अब जो उनको इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो फर्स्ट पे इंटरेस्ट पड़ रहा है 5/100 और सेकंड पे पड़ रहा है 7/100, ये दो मैट्रिक्स में
इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। उससे पहले तुम्हें एक चीज और चेक करनी है, इनका ऑर्डर चेक कर लेना, क्योंकि जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या है, देखो इक्वल टू 1800 ही है इसको, क्योंकि टोटल हमें क्या दे रखा है, टोटल इंटरेस्ट दे रखा है हमें कितना है, 1800 है टोटल जो इंटरेस्ट पड़ेगा एक्स पे इंटरेस्ट 5 पे, और 30,000 माइनस एक्स का 7/100 पे टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, 1800 इतना इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल आना चाहिए, टोटल 1800 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि क्या चेक करना है, तुम्हें सबसे पहले चेक करना है, तुम्हें ऑर्डर चेक कर लेना एक बार, क्योंकि जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे ना तो इन्हें सॉल्व करके केवल एक वैल्यू आनी चाहिए, इन्हें सॉल्व करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए ना, मतलब यहाँ तो एक्स के टर्म में आएगी पर इनको सॉल्व करके तो ये वैल्यू आएगी 1800, तो इसका मतलब इनको सॉल्व करके केवल एक वैल्यू आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई मैट्रिक्स आ रही है और उसमें 2-3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक कैसे करोगे, देखो ऑर्डर कितना है इसका, फर्स्ट रो ऐसे लिख देना, जो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 1 × 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। वैसे इसका चेक करोगे तो इसमें क्या है, फर्स्ट रो रो कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो और कॉलम कितना है, फर्स्ट। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना आएगा, ये वाला 1 × 1 ऑर्डर का आएगा, क्योंकि बीच वाला गायब हो जाता है ना, तो सही है, मतलब 1 × 1 ऑर्डर, मतलब एक ही एलिमेंट्स होगा जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम क्या करते थे, बाय द वे हम क्या करते हैं, इस वाले को हम ऐसे में लिख देते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इस वाले मैट्रिक्स को हमें ऐसे में लिखना है ना, हॉरिजेंटल लिखना, वर्टिकल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसे वर्टिकल लिखेंगे तो फिर इसे हॉरिजेंटल लिखना पड़ेगा, जैसे अगर वर्टिकल लिखना है इसे हॉरिजेंटल लिखना है, दोनों को डिफरेंट लिखना पड़ेगा, इसे वर्टिकल लिखना है तो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लिखो तो वर्टिकल, याद रखना। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ एक प्रॉब्लम आएगी, अगर हम इसे पहले लिखते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को पहले लिखते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को बाद में लिखते हैं, तो यहाँ पे जो इनका ऑर्डर आएगा ना मल्टीप्लाई करके, वो जैसे अभी आ रहा है ना 1 × 1 का, 1 × 1 का नहीं आएगा शायद, 2 × 2 का, 3 × 3 का, इस टाइप से कुछ आएगा। तो 2 × 2 या 3 × 3 का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा एलिमेंट है, और किसी मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा एलिमेंट है मतलब उसके 2-3 आंसर है, वो हो नहीं सकता ना, आंसर केवल एक आएगा। तो मैट्रिक्स को ये देख लेना, उनका ऑर्डर चेक कर लेना कि 1 × 1 का आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो ऐसी मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करो एक्स का मल्टीप्लाई होगा 5/100 से, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे एक्स का गिफ्ट तो आ जाएगा 5x/100 इतना आ जाएगा। फिर बीच में आएगा प्लस का साइन और ये 3000 नहीं है शायद, ये 30,000 है ना, 30,000 है शायद, 30,000 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा 7/100 से, तो ये आ जाएगा 7/100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा, और इक्वल टू कितना देगा हमें 80, ये देगा, ठीक है। ऐसा और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो एलसीएम तो सेम है, 100 100 सेम है, अब नहीं हो सकता है, देखो फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम से कर दिया, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम है नहीं तो जीरो हो जाएगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम जीरो हो जाएगा, फिर सेकंड रो का जीरो, तो सारे बाकी जीरो हो जाएंगे, तो यही मल्टीप्लाई होगा इसका, इससे मल्टीप्लाई होगा सेम इतना ही आएगा। जैसे चेक करोगे तो एक ही ऑर्डर का वन रो है और वन कॉलम आएगा जो सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5x प्लस 7 का मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 7 × 2 = 21, 1 × 2 = 40 माइनस 7x/100 इक्वल्स टू 1800, ये इक्वल्स टू वाला है, ठीक है। इसके बाद से और सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 7x ये हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है ना, और एक काम करो इस 100 को इधर लाओ तो कितना जाएगा, माइनस 2x प्लस 2 × 1 = 40 इक्वल्स टू कितना जाएगा 1 8 20, ये 20 है तो 1 2 3 4 40 आ जाएंगे। इसके बाद और ज़्यादा सॉल्व करोगे इसे तो ये आ जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 8 2 4 माइनस 2 1 1 2 3 4 40 आ जाएगा। जब माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 21, ये आ जाएगा 3 माइनस का साइन आएगा और 1 2 3 4 माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15,000, ये आ गया x इज इक्वल टू 15,000। तो ये हमने लिया था कि हमने फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया था ₹1, तो मतलब कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें 15,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वैसे सेकंड वाले में कितना इन्वेस्ट किया था हमने 30,000 माइनस एक्स, तो माइनस करेंगे 50,000 तो ये भी आ जाएगा 50,000।
तो इस तरह से हमें पता चल गया कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है 15,000, सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना है 15,000। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। वैसे जैसे फर्स्ट वाला जैसे इसका सेकेंड पार्ट दिया है सेम यही है, जहाँ पे 1800 है वहाँ पे हमें कितना लिखना है इसमें 2000 लेना है। तो उसमें पता चल जाएगा कि जब 2000 इंटरेस्ट पड़ रहा है टोटल तो कितना कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, देख लो इसे कॉपी करूँगा।